अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम सलाम भाई। अच्छा जी, नाम क्या था? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, अच्छा जिस टाइम हिंदुस्तान था, पाकिस्तान बना, उस टाइम कितनी उम्र थी तेरी? बस 10 तो ऊपर थी, 11 ला ले। 10-11 साल। अच्छा याद होगा फिर तो काफ़ी कुछ। याद, खेतों की भी याद है। अच्छा तो कौन सा गांव था तेरा, कड़ा रहा कर दे? छोटी सांभड़ो थी। अच्छा छोटी सांभड़ो, सांभड़ो अपना छोटी बड़ी दो गांव थे ये? हाँ दो थी, एक बड़ी थी, बड्डी में तुम्हारा दादा छोटा गांव बस रहा था, उसमें जमीन ली थी। अच्छा हाँ, दो भाई थे मेरा दादा और परदादा, और उन्होंने एक एक मुरब्बा जमीन खा लिया था। अच्छा मैं अपना कौन से जिले में कड़ा सी पड़ जाता जिला? रियासत जींद। अच्छा रियासत जींद लागे थे सांभड़ो का? हाँ। इसके अलावा तो कौन से गांव थे? पांच कोस थी जींद मारे थे, मेरी कोई बारी देखी हुई थी दादा के लिए। अच्छा और अलावा तो कौन से गांव थे? चारों पास है, न्यून था बात सुन भाई, रदाना। अच्छा और भाई याद या के ना बिरोली, नकबड़े, किनाना, गुसाई खेड़ा। अच्छा अच्छा भाई एक और थी, पांच चारों पास की भूल गया भाई, याद रह गए। अच्छा, अच्छा। दिमाग काम नहीं करता ही भाई। अच्छा भूल जाऊँ, नमाज भी भूल जाऊँ, के पढ़ भी कहने। चलो जी, अल्लाह कबूल करने वाला हो तो रब नीयत देखा है। अच्छा तो ओड़ा तार गांव में सांभड़ो में मुसलमान कितने थे, हिंदू कितने थे? हिंदू थे 100 घर, मुसलमान थे 12-14 घर। अच्छा तो हिंदुओं में कौन सी कौम के थे लोग? जाट भी थे, ईर भी थे, और भाई ये ज़्यादा कौम थे। अच्छा बनिया भी था एक मेरे ख्याल। अच्छा और भाई मैं न कहा तो कर देखे भाई, तीन चार कौम थी और कौम। अच्छा तो उन गला तारा रहना सहना पाकिस्तान बनन था पहला? हाँ। किसा था लड़ाई भी? बिल्कुल ठीक ठाक था। अच्छा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था? मारी तो नमदाद खड़ी है थोड़ी थोड़ के गए। अच्छा जिस टाइम पाकिस्तान बनया, अरे ओड़ा भी जिस वक्त वो लोड मैंने देखा, हम डांगर चराने लाग रहे थे, किनाना जींद का बहुत आदमी कतलाम होया, इतना आदमी कतलाम होया, जवान तो बने रामा को लिख गए जिन्ना नीर बच्चे कट कट के पुला के ऊपर बैठ गए, मैं गिर गए नहर में, नहर टूट गई है जिन्ना उनके लाशा के, उसमें पांच आदमी जींद के बाजे आए साथ। अच्छा दो जनानी, तीन चार बच्चे। अच्छा मेरा दादा दाड़ी रख रहा था नमाज, वो जंगल पानी होने जा करता बड़ा कुंठी लैटरिन थी। अच्छा उनने पहचान लिया। अच्छा बाबा हमें भूखे हैं रात के, जींद के बाद जे मुसलमान थे। अच्छा कोई पिंड हो भाई मुसलमान ना का पिंड, और हमने कोई बताओ अगे वह दाल खड़ी दो मील हरे थी। चुप रहा भाई। अच्छा ओड़ा था मैं बैठ दिया, और शाम तोड़ते पानी आवे चले जाइए। अच्छा भाई वहाँ बड़ा तो चाले हैं इस वक्त सी एक मिनट। अच्छा थोड़ी देर पहले ही चाले हैं, आगे तो किनाना पर काफिला आ गया 80-90 आदमियों का। अच्छा मतलब सारे कत्ल कर दिए हमारा ही खेत में, 80-90 बंदे का काफिला। हाँ उन्हें एक थोड़ा छोड़ दिया, इतना हरा दो जनानी थी, तीन चार बच्चे थे, 7 आदमी थे। अच्छा इतना छोड़ दिया। अच्छा भाई और बैठा रहा इस वक्त का कदर असर जाऊ का वक्त थी, फिर वो गांव में सामने ही दिखा था जिस तरह लाड़ियाँ गाड़ा। अच्छा वो अपना गांव में आ गया। अच्छा गांव में भाई रोंदा रहा फिर रहा, कौन रखा उसने एक रदाने का जाट आ गया घोड़ी पर अपना काम आता कोई। अच्छा वो उसने बिठा के ले गया। अच्छा वो उसने फिर करनाल 7 दिन अपने घर रखा, करनाल कम में थोड़ी गया रदाने का जाट था। अरे उसका कोई नाम बेरा कोई याद हो बेरा कौन था? ना भाई मैंने जाट था नानू भी इधर ले गया बेरा। अच्छा तो तुमने किस तरह बेरा लग गया उड़ता है, कद बेरा लग गया दूर तक जाना पड़ेगा पाकिस्तान बन गया किस तरह? एक साल पहले पाकिस्तान बन गया था 1947 में। अच्छा और 1948 में आए यहाँ। अच्छा एक साल पहले रेडवे रुक के मारिया करते, मेरा अब्बा बता करता जब तक मैं मुसलमानों मुसलमान नहीं के नज़दीक लगो नहीं गादड़ कुत्ते की मौत मरोगे। अच्छा भाई एक साल पहले फिर वो काट मार होगी गा पिंडा भाई दू चढ़ चढ़ के आम। अच्छा मुसलमाना ने मारने को लुट। और कौन सा गामा पर हुई चढ़ाई को बेरा? घने गामा पर एक मोटर लुहारी थे।
अच्छा उन पर 13 बारी थे डे मुसलमान ना दौड़े दौड़े थे मैं जितने भी आमन है सारे ने कतलाम कर नहीं दुबान है मार दे कर 13 बारी थे डे 13 चढ़ाई हुई थी। हाँ फिर एक आर्मी वाले गए थे क्या बका था फिर एक जलदार था बड़ा तकड़ा आदमी उसका छोकरन ले गए चल तुम भी चल चल तुम भी वो ने मुसलमान ने पकड़ लिया तेरे वर्गे थोड़ा ने वहाँ पकड़ के ले आए फिर बड़े सियाने आदमी कहने लगे भाई मैं छोड़ दिया जो जलदार का है क्यों छोड़ दिया जो हमने नहीं मारना आया था मार दिया और बैर व्याख्या था भाई वो भी तकड़ा करता उनका तो दो जगह लग गए मतलब भाई फिर दिल्ली गए दिल्ली के जाके दरखास्त दी दो पिंडा ने लाका उजाड़ दिया फिर मिंट्री आई मिंट्री ने भाई 100 आदमी मारे पहले मोटलुवारी गांव था उन्होंने बाहर खंदक खोद ली थी चारों पास है उसने खोदी थी एक और गांव ने कौन सा ना इसने इसमें थी देख रहे खंदक उसने खोदी थी उसको ऊपर को नाटक प्याज आवे था मैं रास्ते छोड़ दिए थे जींद जींद में नहीं खोदी थी मोठलवारी में तो अल्लाह का हुक्म था और पिंडाले ने भी अमदाद दे रखी जो से भी लोग जावे थे ना सारे ने सारे मार दें थे हिंदू मर जाते हिंदू कई मर जुटी रह जा थी बाज जा थे मार जुटी रह जाती बाज जा एक बल्कि मर दो ना मैंने एलावत गोत का था जाट मर दो मुड़े जाट भी बैठे ना वह बता हम तो बन गए हिंदू भी हिंदू बन गए हम तो क्या भी ठीक है तर गल है लेकिन दिल्ली तौर पर कर दे के वह हम हिंदू तो बन गए थे जाट कौम के और को दिल्ली तौर पर उन्होंने मोठलवारी बरूद पहुँचा जाते दिन में जाकर हिंदुआ का वैसा जाते जो हिंदू बने थे और है मैं मुसलमान नहीं करते हिंदू बन जाओ या मुसलमान नहीं छोड़ो ना ना बस हुआ मार चढ़ाई हो रही थी बस कोई कोई किसी अच्छा आदमी नहीं मारा था जो थे लगे लुटन खसोट गंदे गंदे मैं मार रहे थे अच्छा लूट मार करने वाले मारे थे अच्छे लोग नहीं मारे थे यह बात है अच्छे तेनों के आकर दे ए राम है इन इतना इंसाफ नहीं उन तो दबे नहीं थे बला लिए नहीं अच्छे लोग कौन से के क्या उन्होंने हिंदू नन्यू का आकर दे ए राम अरे हिंदू अल्लाह ने राम का आकर दे तो नहीं जो इंसाफ नहीं करे बच्चा न मारे जनानिया न मारे ये जुलम करे और इकट्ठे होके बला लिए पेश होया कर दे बरात ठहरन की जो दंदी ना बरात गढ़वाल में हाँ गढ़वाल में अच्छा भाई मैं बुला के नर इकट्ठे मारने का उनकी सलाह होगी भाई मैं लाग गए मारन मारन लाग गए उनमें तो 5-4 थोड़े बाजे हैं एक थोड़ी बाजी थी और जनानिया ने कुआ में बच्चा ने ले लेके न छाल मार दी कदम हमने ले जा मर मारी बेइज्जती कर सारी को कुआ में कूद गढ़वाल आएंगे थोड़ी सी हिंदुस्तान में मैं खबर दूंगा जो मेरे बाप मैंने बताया करता था मेरा एक दादा हिंदुस्तान में रह गया था अच्छा रहमत अच्छा जो जानता होगा उसमें मैं जानू मैंने देखा हुआ मारा गांव अच्छा, और रहेगा हिंदुस्तान में बतेरी कोशिश की मेरे दादा रुकन ने रुमरे ने भी उम्र ने भी मेरे दादा ने भी उड़ा जा तू वाह मैं नहीं जानता उन्हें गम फसल चुके नहीं वो बस तकदीर में थी ओड़े रह जाओ एक ओड़े का कर्नल था उसने कहा दादा तू उड़त ना जावा तेरा मैं बेटा हूँ तेरा कौन बाऊ तेरा सब कुछ तू उड़त ना जावा तेरा कोई नूह हाथ ला दे तो मैंने बैठी उसके ओहदे ने तरक्की कर दी और दिल्ली चला गया वाह कर्नल कर्नल अपना नाम पता देगा दादा तन्ना कल ने इस गांव में कुछ मुसीबत हुआ परेशानी मेरे तक बता दी है एक ओड़े का जाट था वो पहलवान था दादा मेरा रहमत उसने लकड़ी काट रखी थी इसकी टाली की मैं इसके दरवाजे बनाऊंगा किसी आदमी ने किया अरे रहमत फलाने जाट का छोरा तेरे खेत में लकड़ी अपने रेड़े पे लद के चले गया बैलगड्ढे पे उन्हें अपना किसी चीज पर गया उन्हें कह रहे छोरे या लकड़ी और रख दे लाठी रखा करता अपने हाथ में उन्हें कह कल्ला मुसलमान का घर के करेगा तेरा कौन रखता उन्हें कह रहे तने सुने को नहीं मैं के क्यों हूँ ये लकड़ी और रख दे चले तो ये लकड़ी ठाक ले और रख दे उसके हाथ में थी लाठी उन्हें मारी उसके जोर की लाठी और उसका मोड़ा उतर गया उसका मोड़ा उतर गया ताकतवर आदमी था मोड़ा उतर गया वो इलाज उलूज गिरो मर गया जाटा का छोरा जाटा का छोरा मर गया कट हो गया पंचायत हो गया उड़े कि भी एक मुसलमान घर ने जाट का छोरा मार दिया जी हालात हो ज्यादा खराब
वो गया उड़ा कर्नल दौरा उसके दौरा दिल्ली दिल्ली चले गया उसके दौरा। कर्नल हिंदू था, कर्नल हिंदू था, उसने उस तक जाकर कहा कि मैं जाऊं था पाकिस्तान, तन्ना मेरे तरह रोके थे भी तेरे पर कोई मुसीबत पड़े तेरा को कुछ हो वै तो मैं तेरा बेटा हूँ सब तू ना जावे। उनके दादा की बात है कि नू आगे भाई चुदार हिंदू खड़े हो मैं ज्यादा हूँ यू कल्ला घर हुआ कर्नल आ गया हाजिर सर्विस पर कर्नल था वो की बात है। उन्हें कहा क्या है, उन्हें कहा जी इसके घर का आग लाऊंगे। उन्हें क्यों, इसने इसके लठ मार के छोरी की बांध तोड़ दी मर गया। उन्हें क्यों मारा लठ, लठ क्यों मारा। उसने कहा जी इसके खेत में से लकड़ी पड़ी थी और इसने क्या भी लकड़ी मेरी वापस रख दी इसने, क्या फिर इसका कसूर है ना। उसने कहा बात सुन, अगर किसी ने इसके रहमत का हाथ भी लाया तो पूरे गांव का आग ला दूंगा मैं। किसी ने रहमत का हाथ भी ला दिया ना उसी करने लग गया। हाँ मैं कर्नल हूँ आजर सर, मैं जाट हूँ, मेरे और भी जाट बैठे हैं, मैं तो कौम आदमी हूँ, तो कल है ना उरे मेरे तो और भी बैठे हैं। उसने कहा अगर किसी ने इसका हाथ भी ला दिया सुन ले, पता नहीं उनका शरनाम नाम था पता नहीं, उन्होंने क्या ये कर्नल कहने लग रहा था हमने अगर किसी में जरूरत है कि मैं दादा तू रह, अगर कोई ने इर्द गिर्द का हिंदू तेरे तक कुछ कह दिया मैंने बता दिए मैं इस पूरे गांव का आग ला दूंगा मैं। जिब जा को रहा था वो जो हाँ बस वो हालात खराब हो गए, कल्ला घर है ना किसी भी चीज का वारा नहीं खाता। जरा अक्सरियत मैं तेना बताऊ पूरे जो रहने लग रहे हैं अपने जो बंदे हैं ने दूसरी कौम के लिए एक घर भी नहीं बैठेगा। हाँ अपने लोग दूसरी कौम अपनी बैठे कोई नहीं बैठते कौन बैठते अपनी इमने पर खोखना का मोहल्ला तू एक घर दिखा दे मलका गौड़ है पंजाबी के लिए भी कौन बैठ दे कौन बैठते पंजाबी के लिए भी नहीं बैठते रियासती के लिए भी नहीं बैठते अपने वाले अपने में बैठे यार। तेरा क्या नाम है भाई? मोहम्मद हसन। कौन सी बात पढ़िया करा तू? नौवीं में। और क्या काम करा कर रहा है? और बस बैंक किसका छोड़ रहा है छुट्टी भी इतवार आज आज इतवार आगे पीछे छुट्टी कौन कराया करता नहीं। अच्छा जी बताओ अरे है ना मेरी दादी का सगा भतीजा है। अच्छा उसका बाप और मेरे दादी सगी बहन। अच्छा तारे इलाके में भी जाट थे तारे गांव में भी सब जाट थे मार दो रे बैठे मूले जाट जो मुसलमान जाट थे ना नहीं तारे लगे हिंदू जाट थे मैं जड़े बैठे ना मारा है मुल्तान में और मारे रे में सारे जाट हैं मूले जाट हैं सार के हैं थोड़ी दूर तक के हैं मुल्तान में तारे रख के है कसाई बड़े तकड़े थे हिंदुस्तान में भी रख सकते हैं खेती बाड़ी तो तेरे को याद होवेंगे चोरे जो से तेरे गले गए थे तेरे आन के नाम थे सब खत्म हो गए खत्म तो बेशक हो गए लेकिन तेरा याद तो होगा ना कोई भी फलाना सारी याद सब कौन कौन थे किसी का नाम तेरा लंबरदार कौन था लंबरदार हिंदू थे के नाम था उसका भाई तो नून के नाम के मैंने पका लिया दिमाग भी काम को नहीं करता खेत उनसे तुम पूछ लेगा ना जब अच्छा कोई ईसा है किसी का नाम तेरा याद होगा याद अच्छा तेरे गाँव में कोई जोड़ जोड़ थे जोड़ जोड़ थे हाँ जोड़ थे तीन जोड़ थे अच्छा दो कुए थे तो तीन जोड़ थे अच्छा और कोई कोई अपना अखाड़े खुड़े कोई पहलवानी कोई सांग लेकर देकर सांग तो आ जाया करते दो दिन तीन दिन रह के फिर चले गए सांग वाले कौन कौन आया करते सांग वाला छोटा गांव था भाई हैं बड़े गांव में मतलब बड़े बड़े अच्छा अच्छा था मांझे था अच्छा तुम अच्छा और तो तुम जिस टाइम लिखड़े हो सांबड़ होता है फिर आगे खड़े गए तुम किस तरह आए पाकिस्तान तक ओड़ा तो हमने गाड़ी में बिठा के ना मिल के ना रखने से ले गए नहीं नहीं अच्छा तरगाम वाले छोड़ गए हैं मैं आगे रहा उसका कैंप था अच्छा रोते कैंप आए हाँ मुसलमान ना का कैंप था मिंट्री मुसलमान ना की भाई ओड़ा तो फिर गाड़ी ला गई ओड़ा तो फिर लाहौर आ गए गाड़ी में अच्छा राम मतलब कोई ना गोरखे आए थे मारे अच्छा मैं गाड़ी के गए मंदिर मंदिर हुए अच्छा अच्छा वहाँ हमने लाहौर को जा अच्छा तो लाहौर तक फिर उरा खानपुर तक लाहौर तक फिर भाई 10-15 दिन रहे और बीमारी होगी अच्छा
तहसीलदार कहने लगा चलो तुमने जमीन देवांगे भाई पिंड में बसाना थोड़ा सा ट्रक में भर के ना सामान सुमान भाई या देखी भी याद फिर भूल गया मारिया था पठाना ने जहर दे दे आजम उस दिन हमें दपालपुर से देख ले मरे याद और तो फिर एक रस्ता खाना तो तो पठान ने तो लियाकत अली खान ने मारा था गोली मार के पठान ने इसने ज्यादा ने मारा था अयूब खान ने मरवा था किना ने अयूब खान ने मरवा था पता नहीं पठान ने मरवा था हां अयूब खान भी तो पठान ही था हां इन्हें मरवा था लियाकत अली तो अच्छा तकरीर कर रहा था गोली मार मार अच्छा अरे ओ पठा ओ मरवाया था जहर देख ले कादी आ गया अच्छा फिर और तो दपाल पर था फिर हम रस्ता खाना गांव था तो एक मिल अच्छा थोड़ा चले गए थोड़ा जमीन लाइट कर दी न मकान ना कोई लेना और बूट पिछाई टू क्या है गमला था फिर कल लगे ना भाई हम ले चंदे और तो फिर आए थे और तो खानपुर आए थे फिर ना और तो फिर हम चले गए उकाड़े आगे रोड के ऊपर पड़े मक्का और तो फिर आगे लोदरिया चार भाई वह थे छह भाई थे वह चार बड़े जिले थे छह मर दादा और तो फिर भाई और 728 तक फिर महल कमालिया का दौरा है और चले गए मुआनिया दौरा 8 साल उड़े रहे मुआनी भी बैठे उड़े दो घर बैठे हैं बाकी में भी आ गए बाकी सारे उड़ आ गए कुछ और फिर उड़े ताऊ था हमने कौन लेकर आया था उड़े 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 मेरा चाचा पाखर और मेरा मामा आए थे छोटू दोरा देखिए इन्हें सच बात कर लिया छोटू दोरा छोटू लेकर आया था छोटू मेरा चाचा लीलू का सगा साला था अच्छा नो सही याद है ना याद के मामा मामा छोटू ही साथ था उसका ना तो थी एक हां जी देखिए उन्होंने अव्वल बात करी है असल में उसमें ना नू थी सही किया इन्हें मामा अच्छा और आए के ना करने लगे भाई नन्नू हमें आवांगे 60-70 घर से इकट्ठे आवांगे और गामा के भी थे गने गामा के सारे आज बोले फन लगे इसकी आलमगीर बात पता किस तरह कारखाना न्यू का न्यू खाली पड़ा था किराड़ का था मेरी अम्मा थी ना पीछे में आ जियो मेरी अम्मा दादा पाखर ने फगवे और मेरा बाप और मामा के भी हम तो बच्चे थे इस जितने और मने गया अपने बाप से मैं अब्बा के बात है मैं तू ने दादा पाखर ना मामा के वे और मेरी माँ फूफा के वे अम्मा मेरी के बेटा यू मेरा सगा फूफा मैं किसा अगर वो लिल्लू मेरा सगा फूफा मेरी सगी बुआ उसका वावर फूफा सही के मैं लिल्लू का भाई था हाँ लो पाखर लिल्लू चंदगी अच्छा अच्छा भाई थे ना अच्छा दादा मेरा लेटा पाखर चंदगी लिल्लू ने चार भाई थे अच्छा लेटा पाखर लिल्लू चंदगी ताऊ चंदगी का है यो अच्छा 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 ठीक मामा छोटू का ना तो थी एक होनी भाई एक बार वो काड़े थे जब आया था अगला लोड है खान पर खाली पड़ी है असल में नू थी बंदे की नू थी अब क्या अपने इकट्ठे हो जाए सारे कोई किसी पास अपन जाना मामा आया कर लगा भाई वो जमीन जंगलात की थी उसमें बिठाए थे 5 साल बाद चलो अच्छा दोबारा कदे जान गए इत्तेफाक हो गए कदे हिंदुस्तान ना भाई हमको इंजाम दे बड्डी सामलों का था एक रामखली रहा करता बड्डी सामल वाले आई मैं तो खानदान में थे रामकली कड़ा है रामकली ओडा दो रही थी दो तीन को थी बड़ी सामल अच्छा वो बड़ा तकड़ा आदमी था और डकेटियां वाले का गिल्ले रहा करता और भाई चोरी कर ली को मार लिया को लूट लिया इस डाल के उसमें वो लाटकन है उनके बज गया उनके सामने कर लगे चलो भाई उसका ना तो था देख मैं भूल गई भाई वो कहने लगे चलो फलानी जगह भाई थोड़ा पे डकैती लैनी हमारी अमन का जमाना था जब ये मटका काटनी हुई थी उसके गोली मारी वो मार दिया वो मुसलमान जो सबसे बड़ा था मार दिया तो भाई उड़ के मैं फरारी हो गए
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਆਵਨ ਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੂੰ ਕਿਛੂ ਬਲੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਰ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਮਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਸਕਾ ਬੇਟਾ ਉਰੇ ਥੇ ਖਾਨਪੁਰ ਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਸਕਾ ਭਾਈ ਤਿੰਨ ਭਾਈ ਥੇ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਈਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥਾ ਉਸਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਖਾਨਪੁਰ ਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੈਂ ਜਾਊਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰਾ ਗਾਮ ਕੇ ਡਾਟਾਂ ਕੇ ਖਤ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਥਮ ਨਾ ਆਇਓ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਮਨਮਾਨਾ ਭਾਈ ਉਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲੈ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਤਾ ਬਾਪ ਕਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।